ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में IRCTC 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट में बात करेंगे हम मंत्री विश्वास सारंग ने रेलवे को क्यों पत्र लिखा कोच फैक्ट्री में कम स्टाफ करने के लिए। सेकेंड में बात करेंगे ट्रेन से सफ़र करने के दौरान किन किन राज्य में आप लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से 35 ट्रेन हैं जिसे रेलवे कैंसिल कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच मंत्री विश्वास सारंग ने रेलवे को पत्र लिखा और बोला कोच फैक्ट्री में स्टाफ को कम किया जाए, क्योंकि कोच फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो इस संक्रमण को रोकने के लिए ये पत्र लिखा गया। सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं यदि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो किन किन राज्य में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें यदि आप ट्रेन से या फिर बाई एयर या फिर बस से आप सफ़र करते हैं, अगर उस राज्य में जाते हैं तो आप लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या iBTN में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद एक राज्य और जुड़ गया है, पंजाब। यदि आप किसी भी राज्य से पंजाब जाते हैं बस, ट्रेन या फिर वायर, तो आप लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोविन वैक्सीन का 2 वीक पहले का रिपोर्ट अनिवार्य है, तभी आप उस स्टेट में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं 35 ट्रेन कैंसिल को लेकर। कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच रेलवे काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन लगातार चलाए जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन लगातार कैंसिल भी कर रहे हैं पैसेंजर ना मिलने के कारण। तो इसी बीच रेलवे ने फिर से 10 मई से 35 ऐसे ट्रेन जिसे फिर से कैंसिल कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं 1 by 1 करके, या फिर इस पोस्ट को मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर दूंगा तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF का भी लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को पोस्ट करके 1 by 1 कर रीड कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।